मेट्रो ट्रेन सिस्टम पाकिस्तान का पहला मेट्रो ट्रेन सिस्टम है जो कनेक्ट करता है डेरा गुजरा को अली टाउन से। 26 स्टेशन से गुजरती हुई ये लाइन 27.1 किलोमीटर का फासला 48 मिनट में तय करती है, जबकि इसमें एक दिन में 2.5 लाख मुसाफिर सफर कर सकते हैं। अंबर कुरैशी विद एन अमेजिंग एपिसोड ऑफ डिस्कवर एक्सक्लूसिव। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की पहली एंड द ओनली रैपिड ट्रांजिट लाइन जो कि है ऑरेंज लाइन ट्रेन। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपने इसको देखा होगा, मगर यू माइट नॉट नो दैट इट हैज 26 स्टेशंस और ये पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट करती है। हम आज के एपिसोड में आपको इस अथॉरिटी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करवाएंगे क्योंकि ये ऐसे बहुत से टूरिस्ट स्पॉट से गुजरती है जो कि पाकिस्तान और लाहौर के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। So let's go and explore Lahore through Orange Line Train. फर्स्ट स्टेशन ऑफ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो कि है डेरा गुजरा, और यहाँ पर अंदर आते ही बड़ी ही वेलकमिंग सी वाइब आई है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ के एसी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अंदर आके काफ़ी सुकून मिला है और बहुत सा ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हमें ये यहाँ पर स्टेशन नज़र आ रहा है जो कि शायद पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। सो अंदर चल के बाकी तमाम प्रोसेस करते हैं। कहीं भी ट्रेवल करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है टिकट लेना, और टिकट के लिए यहाँ पर एक टिकट ऑफिस भी है और साथ ही साथ टिकट वेंडिंग मशीन भी है। सो हम यहाँ से अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हमें गाइड करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। सो लेट्स फाइंड द टिकट। इसको हम लाइन 1 से स्टार्ट करेंगे। टिकट बाय करके हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। ट्रस्ट मी, यहाँ की वाइब किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेशन से कम नहीं है, और अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल स्टेशन को विजिट नहीं किया तो ट्रस्ट मी एयरपोर्ट तो ज़रूर देखे होंगे और आपको यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और अगर आपको अपने टिकट के बारे में, अपनी डेस्टिनेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ये स्टाफ जो है वो मौजूद है जो कि आपको गाइड करेंगे अपने स्टेशन के बारे में भी, टोकन के बारे में भी, और किसी भी और हवाले से अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो ये स्टाफ अगर आपको इस यूनिफॉर्म में नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे ऐसे लोग जो कि डिसेबल हैं उनके लिए भी यहाँ पर लिफ्ट्स हैं, लोग हैं जो कि गाइड कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जहाँ पे आपको ये साइन बोर्ड नज़र आए जिस पर लिखा हो कि नो एंट्री यानी कि दाखिला ममनू, तो प्लीज़ उस तरफ मत जाइएगा, दूसरी साइड से आपने एग्ज़िट करना है। और क्योंकि हमारे पास जो ये कॉइन है ये 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, सो हमें थोड़ा सा जल्दी करनी है और जाके ट्रेन में सवार होना है क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हम जो है वो लेट हो जाएँ और ये टोकन एक्सपायर हो जाए।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी हूँ एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी भी मेट्रो ट्रेन पे बैठने वाली हूँ लाहौर की। और सबसे मजे की बात यह है कि मेरी ट्रेन आने वाली है 3 मिनट में, सो तब तक कुछ टाइम है, सो क्यों ना यहाँ पे जो स्टेशन मैनेजर है उनसे बात कर ली जाए और इस फैसिलिटी के बारे में जाना जाए। सो साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर, कैसे हैं आप? अच्छा साबिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस स्टेशन पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं? नॉर्मली हमारी पैसेंजर से रिलेटेड हम जो ख्याल रखते हैं वो पैसेंजर सेफ्टी का रखते हैं, ठीक है, और सेकंड जो है वो पैसेंजर सर्विस का रखते हैं। राइट। एंड फॉर पैसेंजर सर्विस हमारी यहाँ फीमेल जितनी भी पैसेंजर ट्रैवल करती है उनके लिए स्पेशली हमने जो फर्स्ट कैब है वो मुख्तस की हुई है, जिसमें ये आप फैमिली वुमेन चिल्ड्रन दे ओनली कैन गो फ्रॉम दिस साइड टू द फर्स्ट कैब। वेरी नाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए या फैमिलीज के लिए प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो एक फर्स्ट स्टेशन है ये सिर्फ उनके लिए है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, सेफ्टी तो हो गई, मजीद क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हो? नॉर्मली जब ये ट्रैवल करके आते हैं तो हमारे कंपनी के जो स्टाफ है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है और वो उनको गाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने इस ट्रेन में ट्रैवल करना है, यूजली एस्केलेटर कैसे यूज़ करनी है, नॉर्मली किस तरीके से लोगों को गाइड करना यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली एक्सीडेंट्स इसी वजह से हो रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनका लोगों को नहीं पता, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम आपको इस ट्रेवल के बारे में बताएंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे कि ये सफ़र हमारा कैसा रहेगा। सो हमारे साथ चलिए। This is my first time traveling in Orange Line train और trust me, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरा first experience है और इतना unique, इतना बेहतरीन experience होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक तो सबसे ज़्यादा important बात यह है कि ये train बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है और दूसरी बात यह कि किसी भी international standard से कम नहीं है। साफ सुथरी के बारे में हमने बताया, सर्वेलेंस भी यहाँ पर हो रही है, तमाम पीछे जो कैमराज लगे हैं लोगों की सेफ्टी के लिए लगे हैं, और तीसरी बात ये कि आपने कहाँ जाना है यहाँ पर आपको हर चीज़ लिखी भी नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो होने वाला है शालामार गार्डन, हम वहाँ पर रुक भी सकते हैं क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, सो हम जाके आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनके बारे में भी गाइड करते रहेंगे। हमारा ट्रेवल जारी है और यहाँ से लाहौर बहुत ही डिफरेंट अंदाज से नज़र आ रहा है। एक तो शीशे बहुत साफ़ हैं, प्लस ये सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब हम रुकने वाले हैं शालामार स्टेशन पर, जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम यहाँ से फौरन बाहर जाएंगे क्योंकि हमने जिक्र किया था कि हम आपको दिखाएंगे कुछ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी। सो अब हम आपसे मिलेंगे बाहर और वहाँ पर थोड़ा सा अपने लाहौर के बारे में भी जानेंगे, टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में भी जानेंगे। स्टेशन पर हम आ चुके हैं और ये लाहौर की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर सिर्फ चंद मिनट्स में पहुँच सकते हैं और इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। ये बाग 1641 में शाहजहां ने तामीर करवाया था और तब से बहुत से लोग यहाँ पर इस मुगल आर्किटेक्चर के शाहकार को देखने के लिए विजिट करते हैं। वापस जा रहे हैं और अब हम कुछ बात करेंगे लोगों से ताकि उनके बारे में जानें कि उनको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये फैसिलिटी कैसी लगी। साथ ही साथ हम अपने ट्रेवल को भी जारी रखेंगे और पहुंचेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो मेरे साथ कुछ ट्रैवलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये फैसिलिटी कितनी अच्छी है उनके लिए और विद इन फ्यू मिनट्स वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि कब से आप इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं और कहाँ से बैठते हैं, रूटीन में ट्रैवल करते हैं और कितनी जल्दी पहुँचते हैं?
ऑब्वियसली ये मेरा डेली रूटीन का काम है, मैं रोज़ इस मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ और ये काफ़ी फैसिलिटी है इसमें, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगती है। सही, बिकॉज 40 रुपीज़ आपने देने होते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन दान तक, तो दैट्स वेरी गुड। और इसकी कुछ क्लीनलीनेस और जो यहाँ पे इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट है इसके बारे में भी बताइए। यस, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट के पाकिस्तान में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये और भी शहरों में चलने चाहिए, ताकि लोग जो हमारी गरीब आवाम है उनको भी ये फैसिलिटेट हो सके दूसरे शहरों में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि बहुत क्विकली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, इस ट्रेन में हमें सीनियर सिटीजन भी नज़र आ रहे हैं और बाकायदा उनके बैठने के लिए अलग बेंच मौजूद है, सो उनसे भी बात करते हैं कि उनको ये ट्रेवल फैसिलिटी कैसी लगी। जी बताइएगा कैसा है ये सब। लेकिन जी ये जो चीज़ें हैं ना ये तो बहुत ज़रूरी थी, मैं तो समझता हूँ कि डेट इज़ गुड फॉर ऑल सिटीजन। सही, सीनियर सिटीजन की तो है ही है, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी सर्विस है जो कि होनी चाहिए थी, अभी रिसेंटली किसी ने कोशिश की है, डेट इज़ गुड। सही, और क्योंकि ये सेफ भी है तो इसलिए आप समझते हैं कि यहाँ पे सफ़र करना आसान है, आरामदेह भी है। सेफ भी है, आरामदेह भी है और टाइम कंज्यूम मतलब टाइम मतलब वो सेवर भी है। जी ये बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं जहाँ से सफ़र कर रहा हूँ अगर मैं वहाँ से रिक्शे पर या किसी और चीज़ पर सफ़र करूँ दैट इज शुड टेक 45 to 50 minutes। ऐसा ही है, ये जो चीज़ है मैं खैर आई थिंक सो के विद इन 20 मिनट्स आई विल बी यहाँ पे जाना वहाँ पे। बिल्कुल, ये तो एक्चुअली मुझे बड़ा मज़ा आया इस पर ट्रेवल करके, क्योंकि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हम विद इन मिनट्स जो हैं वो एक से एक स्टेशन पे पहुँचते हैं, यहाँ तक कि लोगों से बात करना मुश्किल हो गया बिकॉज इमीजिएटली हम नेक्स्ट स्टेशन पे होते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन लोग स्पेशली जो लोग अपना वक्त बचाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और मुझे तो इस पर ट्रेवल करके बहुत मज़ा आया क्योंकि ट्रस्ट मी अगर हम ये ट्रेवल गाड़ी पर कर रहे होते तो एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता। अच्छा, हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रेवल है ये सेफ बहुत है स्पेशली खवातीन के लिए, सो क्या ये एक्चुअली सेफ है? हमें हमारी खवातीन ही बताएंगी जो कि इसमें यूजुअली ट्रेवल करती हैं और उनके लिए कितना बेनिफिशियल है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा कैसा है ये ट्रेवल खवातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि हम हमेशा ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ है, मैंने खुद इस पर ट्रेवल करके देखा और ट्रस्ट मी मुझे बहुत मज़ा आया, एक तो बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, एसी है, सेफ है, आप क्योंकि इसमें रूटीन में ट्रेवल करती है तो बताइए आपको कैसी लगी है। बिल्कुल आपने जो कहा है उससे ज़्यादा अच्छा है, ये बेहतर है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हम लोग बड़ा बहुत आसानी से, यहाँ का स्टाफ जो बाहर स्टाफ होता है जो इधर है और लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत ईजी बहुत कम पैसों में। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाकई, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के दौर में इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेवलिंग पे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। नीट और क्लीन और सेफ्टी सब कुछ है इसमें, बहुत अच्छा है, इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए। और मैं ये भी बताऊँगी कि जो आपका चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान वो हम बहुत देखते हैं, लड़ाई झगड़े ये वो सारा उससे हट के वो सारा कुछ पाकिस्तान के मुतालिक बताते हैं, बहुत जब वो टीवी ऑन करते हैं तो हमारा यही दिल करता है कि हम डिस्कवर पाकिस्तान देखें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का पाकिस्तान का हमारे पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात होती हैं और इतनी प्यारी प्यारी जगह आप लोग दिखाते हैं और बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, हमें आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से, जब भी हमें इतना पॉजिटिव फीडबैक मिलता है सो ट्रस्ट मी हमारे जो मेहनत होती है उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अब अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद घर जा रहे हैं, सो कुछ स्टूडेंट्स से जानते हैं कि ये ट्रैवल उनके लिए कितना सेफ और कितना इकोनॉमिकल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो इस ट्रैवल के बारे में बताइए, आप लोग तो रोज़ इस पर ट्रैवल करते होंगे बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत इकोनॉमिकल है और इजी है सफ़र करना, सेपरेट है लेडीज़ के लिए सेपरेट है, जेंट्स के लिए सेपरेट है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट है, आप क्या कहेंगे? जी बहुत ज़बरदस्त है, ये डिसिप्लिन बेस्ट है, वेरी नाइस।
बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा है, हाँ जी, सफर करने में बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, सफर करने में बहुत कंफर्टेबल है बंदा, ठीक। और इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? इसी ज़्यादा अच्छा है कि इकोनॉमिकल आप? इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि सेपरेशन है, लेडीज की और जेंट्स की सेपरेशन है और बंदा कंफर्टेबल है। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये कंफर्टेबल हो, सेफ हो, तो ये सेफ्टी और कंफर्ट दोनों यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेवल करती हमें नज़र आ रही है। रश भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये इत्माद है लोगों का जो इस सर्विस के ऊपर है कि वो यहाँ पे बहुत आसानी से ट्रेवल कर रहे हैं। तो हो गई और राइट नाउ वी आर एट स्टेशन 13 और इस स्टेशन की वाइब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है और मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड भी हमें यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, जो इंटीरियर है, वो नजर आ रहा है। सो बहुत ही मजा आ रहा है स्टेशन पे आके, बहुत ही डिफरेंट लगा है। और प्लस अंडरग्राउंड हम यूजली सुनते तो थे, अब हमने इसको एक्सपीरियंस भी किया है, एंड आई एम श्योर आपको भी एक्सपीरियंस करने के लिए इन स्टेशन को विजिट करना पड़ेगा। स्टेशन नंबर 13 अनारकली स्टेशन है और जिनके नाम पर ये रखा गया है उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इस स्टेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से हम ना सिर्फ अनारकली बाजार को, बूट स्ट्रीट को, वॉल सिटी ऑफ लाहौर को, तमाम तर चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि माल रोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ से मेट्रो बस सर्विस को हम एक्सेस कर सकते हैं जो कि 27 डिफरेंट रूट्स पर आपको लेकर जाती है। हम उन रूट्स को कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस एक स्टेशन से, तो ये स्टेशन बड़ा अहम है अगर आप विजिट कर रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन से। माई ट्रेवल फॉर टुडे इज ओवर और आज का सफर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था और अब हम आपको लेकर जाएंगे ब्रेन बिहाइंड दिस सर्विस, यानी कि यहाँ इनके डीपो की तरफ, जहाँ पे जाके हम उन लोगों से मिलेंगे जिनकी वजह से ये अमेजिंग सर्विस पॉसिबल हुई और आपको भी मिलवाएंगे ताकि आप जान सकें कि ये फैसिलिटी किस तरह काम करती है और हमें भी इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सके। सो चलते हैं। Hello. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. How are you? I'm fine. My name is Yan, the GM HR. Welcome to Orange Line. Thank you so much. Orange Line's mission is to provide convenient and the best service to local people. That is really amazing. Yeah, it make outstanding contribution to promoting local employment. That's amazing. Yeah. So after the training of Chinese people and the over 1,000 local people can have ability to work independently, and the localization rate is over 97%. Wow! Yes, it is really the first branch of Pakistan and have the ability to have the talent in the subway. Wow, that is really nice, and I'm sure there's a lot of more things to look forward to. Yes, the most important is the Orange Line is not only the subway, it also represents the friendship between China and Pakistan. Yes, that's true.
ऑरेंज लाइन ट्रेन किस तरह काम करती है और पाक चाइना फ्रेंडशिप में इसकी कितनी अहमियत है ये जानने के लिए इस वक्त हम डायरेक्टर ऑपरेशंस जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन है लियाओ ताओ उनके साथ मौजूद हैं. सो लेट्स वेलकम हिम. हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू. सो टेल मी अबाउट द ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद पाकिस्तान एंड चाइना फ्रेंडशिप. During the implementation of this project, I was impressed by the diligence, seriousness, and pursuit of the better life of the Pakistani people. We are honored and willing to do our best to help our Pakistani brothers right. to learn and master new technology and new craftsmanship. Mm. And we are making our efforts for the development of Pakistan's transportation industry. At the same time, we also hope through the successful of operation of Orange Line, they can learn from each other and make progress together. And we will be continue to work hard to promote the high quality and high efficiency development of Pakistan's transportation industry. Thank you so much for your time. हमारे साथ है डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लियू ताओ और उन्होंने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी आई है, नई टेक्नोलॉजी भी आई है इसकी वजह से और लोगों का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है. जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की और मेरे साथ यहाँ के डीजीएम्स मौजूद हैं. एक हैं डॉक्टर कमर महमूद और दूसरे हैं जेवन ली. सो इनसे जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किस तरह से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है वो यहाँ पर काम करती है, ये प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है? ये एक जो ट्रेन है ये एक सिस्टम ट्रेन है जिसके अंदर जो सारा इसका ऑपरेशन है मेन लाइन के ऊपर वो ऑटोमेटिक होता है. इसके अंदर एक ड्राइवर मौजूद होता है जो कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और साथ जो पैसेंजर की सेफ्टी है ठीक है और एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं उनको वो इंश्योर करता है. उसके अलावा जो हमें टाइम टेबल दिया जाता है हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट से उस टाइम टेबल को वो इम्प्लीमेंट करवाता है. सो कमिंग टुवर्ड्स यू मिस्टर रेवन ली, फर्स्ट टेल मी अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस डिपार्टमेंट रोलिंग स्टॉक. ओके एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू वेलकम फॉर हैविंग मी एंड आल्सो वेलकम टू ऑरेंज लाइन रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट. आल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू द ऑडियंस ऑफ डिस्कवरी पाकिस्तान. वेलकम, थैंक यू. रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट इज वन ऑफ थ्री मेजर ओएम डिपार्टमेंट्स फॉर ऑरेंज लाइन. And right now, Orange Zoning Stock Department has more than 300 staff and right. More than 97% are local staff. So wow. Also, Zoning Stock Department has three sub-departments. The first one is the Zoning Stock Maintenance Department, which is responsible for maintenance of trains, such as boarding inspection and system maintenance. The second one is Train Crew Department. As its name, Train Crew Department provides train operators for mainline operation. And I think our passengers can see them on mainline every day. The last department is Depot and Stable Yard Department, which is responsible for depot and stable yard movement and also engineering work. जैसा कि आपको पता है कि हम ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आज एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस वक्त हम हैं रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट में जहां पर बहुत सारी ट्रेन जो हैं वो पार्क हो गई हैं और हमें एक एम्प्टी ट्रेन को विजिट करने का मौका मिला है. बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक ना कोई पैसेंजर गया है ना कोई और गया है. सिर्फ वहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वो ही बैठते हैं. हम लेके जा रहे हैं आपको ड्राइवर्स कैबिन में और वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि ये जो ट्रेन है ये किस तरह से ऑपरेट करती है. सो लेट्स गो विद मी.
ड्राइवर्स केबिन में हम आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान कैसे हैं आप, सबसे पहले तो बताएं। अच्छा अदनान, लोग नहीं जानते बट जानना चाहते हैं कि किस तरह से ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो ऑपरेट करती है, कैसे आप लोग इसे ड्राइव करते हैं। ऑब्वियसली एक आम गाड़ी की तरह तो ये बिल्कुल ड्राइव नहीं होती होगी। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई ट्रेन हमारी स्टेशन पे आके स्टॉप करती है तो डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होती हैं। डोर्स का स्टेटस हम यहाँ से कंफर्म करते हैं। उसके बाद बाहर जाके पीएसटीज को कंफर्म करते हैं। पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखते हैं, पैसेंजर ऑन ऑफ ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं, अपना सिग्नल सिस्टम देखते हैं, डोर को क्लोज करते हैं यहाँ से। ये बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ से हम ट्रेन डिस्पैचर और सिग्नल टावर से कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हमारे ट्रेन को ऑथराइज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें हम अपना एचवीएसी कंट्रोल करते हैं, लाइट्स को अपना कंट्रोल करते हैं, ये वाइपर्स को कंट्रोल करते हैं, ये सिग्नल सिस्टम है हमारा। ये सिग्नल सिस्टम का डिस्प्ले है। wow. ये हमारा जो है वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI है, जहाँ से हम लोग अपने ट्रेन के अंदर जो स्टेटस है उसको हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा बेसिकली ट्रैक्शन सिस्टम है, जो कि ट्रैक्शन को बताता है कि ये फॉरवर्ड में चल रही है कि रिवर्स में चल रही है, और ये ब्रेकिंग सिस्टम है ट्रेन का। ठीक, राइट, दैट इज सो अमेजिंग। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने आपको ये ड्राइवर्स कैबिन दिखाया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगाया गया है, जिसमें ट्रेन्स भी शामिल हैं, जिसमें इनके तमाम तरह स्टेशंस मौजूद हैं जहाँ पे एलिवेटर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में ऑपरेट कर रही हैं, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और ये डिपार्टमेंट है इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और मेरे साथ यहाँ पे इनके GM मिस्टर जांग मौजूद हैं, जिनसे मैं पूछूंगी कि किस तरह से यहाँ पे ये ओवरव्यू देंगे हमें इस डिपार्टमेंट का। सो वेलकम टू दिस शो, एंड कैन यू प्लीज गिव अस द ओवरव्यू ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट and maintenance? Equipment maintenance department is a part of Orange Line operation management department. It's mainly responsible for the equipment operations and the maintenance installed in our Orange Line. ऑरेंज लाइन ट्रेन तो हमने सड़कों पे चलती देख ली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो इक्विपमेंट है उसको किस तरह से कौन लोग बैठ के उसको डील कर रहे होते हैं, कैसे इसको मेंटेन किया जा रहा होता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है। एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और उसके DGM उमर चश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। सो उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट है, जिसमें आपने तमाम तरह इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी देखनी है और उसको इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो अपने लोगों को जो है वो तमाम तरह सफर की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। सो किस तरह से मेंटेन करते हैं आप इस डिपार्टमेंट को? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जी, वेलकम टू आवर डिपार्टमेंट। आपने ऑरेंज लाइन में आज देखा, आपने देखा कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, हाईली मॉडर्नाइज एक किस्म का प्रोजेक्ट है, और इसमें जो मैन बिहाइंड द गन है, प्रोजेक्ट को चलाने वाले लोग हैं, वो इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। सही, हम इस डिपार्टमेंट में इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 95% इक्विपमेंट जो है हम उसको देखते हैं। अच्छा। इस ट्रेन, ये सारी की सारी ऑटोमेटेड ट्रेन्स हैं, इसमें ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस हैं, इसमें जो ड्राइवर है उसके बगैर भी ट्रेन चल सकती है, खड़ी हो सकती है, रुक सकती है, चल सकती है। ट्रेन को ऑटोमेशन को चलाने के लिए इस ट्रेन के साथ हज़ारों किस्म के डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं, जिसको चलाने के लिए हमारा एक सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है। फिर इस पूरे के पूरे जो हमारी 26 किलोमीटर की कॉरिडोर है, उसके अंदर हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। फिर आपने सुना होगा कि ये जो जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन है उनको बिजली देने के लिए हमारे पास एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है, बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड, वेरी मॉडर्न, वेरी अर्बन, हमारे पास एक पावर डिपार्टमेंट है जो हमारी सारे के सारे सिस्टम को जो है वो पावर देता है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हर डिपार्टमेंट में दो DGMs होते हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी होते हैं और एक चाइनीज़। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चाइनीज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ काम करते हुए देख रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त मैं इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर वे हैं, जो कि हमें इस डिपार्टमेंट के हवाले से बताएंगे। ही इज़ द DGM ऑफ डिपार्टमेंट। सो आई वांट टू यूज़ दिस कल्चरल वर्ड टू इंट्रोड्यूस आवर डिपार्टमेंट, दैट विल बी इजीयर फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। So like from this picture, we can see that you see this equipment maintenance department, Dragon Walls, Dragon Warnings. This means that, you know, this is designed by our staff. This means like the
The dragon means the stand from China, and that the word means the Pakistan. So this very means nice. China with Pakistan together, like the, our the friendship. The dragon warriors, very nice. Yes, so like from this picture, we can see our department of the work, like this 132 kV and the substation, like this guard wheel, this from our power supply department. And very like nice. From this signaling, and from this blue light, and from that CCTV, from that piece system. Elevators yes. and PIS no, systems, is, analog clock. Yes, this is from our communication and signaling sub-department. Very nice. Yes. किसी भी मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोगों की सिक्योरिटी के वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं वो सिक्योर हैं स्पेशली जब कोविड की सिचुएशन थी तब वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या प्रोसीजर्स थे और डे टू डे किस तरह से सिक्योर किया जाता है इस मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर पैन सॉन्ग और उनके साथ है मिस्टर नुमान अकबर सो लेट्स वेलकम हिम वेलकम Nice to see you. Same here. So first of all, please tell us about the significance of this project and especially how beneficial this project is for the people of Pakistan. Yes, sure. As we all know, Orange Line is the first subway in Pakistan and even in the South Asia. And it's a large-scale urban rail transit project which constructed and put into commercial operation and the CPAC. And of course, it's a symbol of the friendship between two countries. Yes, true. Pakistan and China. And regarding the benefit, I think, the Orange Line Metro Train can help the civilians cross the whole city at a speed 35 kilometers per hour and reducing the 2 hour commute to 45 minutes. अच्छा जैसे इन्होंने अभी कुछ कोविड में सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से बात की और कोविड भी ज़ाहिर है 2 साल चलता रहा है सुनमान आपसे जान लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने इंश्योर किया पैसेंजर्स की सेफ्टी को ड्यूरिंग कोविड बेसिकली दैट वाज अ काफ़ी बड़ा चैलेंज था फॉर द लास्ट मोर देन 2.5 ईयर्स एंड वी वर द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया वेयर वी हमने बायो सिक्योर बबल को 220 में प्रैक्टिस किया Amazing. And we took all the like around more than 200 staff in a hotel and वहाँ पे उनको isolation में रखा उनकी वहाँ पे हमने training की on job training भी की online training भी की और सारा project से familiarize किया so that was the biggest challenge थी. And that is one of the unique in as I said in South Asia right. And that is done in June 2020 That is really amazing. अच्छा अभी डे टू डे जिस तरह हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो लोगों की सेफ्टी जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है तो डे टू डे सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर कर रहे होते हैं सी वी हैव हमारे अपने स्टाफ की सेफ्टी है एंड देन वी हैव पैसेंजर सेफ्टी एज वेल तो उसके लिए हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग SOPs और सिस्टम डेवलप किए हैं जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे एक तो हमारे पास चाइना स्टैंडर्ड्स हैं GB स्टैंडर्ड्स देन वी हैव ISO स्टैंडर्ड्स OSHA स्टैंडर्ड्स उसकी बेस पे गाइडलाइंस बनी हुई है एंड देन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो इसको कंप्लाई करती है और एग्जीक्यूट करती है एट स्टेशंस पे जहाँ हमारी पैसेंजर सेफ्टी है जहाँ वी हैव डे टू डे ऑपरेशन एंड यू विल आल्सो गो देयर यू हैव इंटरेक्शन विद द पैसेंजर्स एंड यू विल हैव अ चेक सो एंड यू विल सी लॉट ऑफ पीपल वर्किंग इन दिस हेड ऑफिस एज वेल सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग SOPs एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग व्हिच वी प्रोवाइड कि वो उसको अडॉप्ट कर सके एंड देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट कि अपनी कंप्लायंस भी मेक श्योर करनी तो व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के डिपो में मौजूद हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के CEO सो उनसे हम बात करेंगे जानेंगे इस प्रोजेक्ट के मिशन के बारे में इनके विजन के बारे में और कैसे ये प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकता है इस बारे में भी बात की जाएगी सो लेट्स वेलकम मिस्टर ली चिन हु इज़ द CEO ऑफ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन हेलो सर वेलकम Thank you and assalamu alaikum. Waalaikum assalam. How are you doing? Yes, I'm great. Thank you for having me. Yeah. So first tell me about this vision of Orange Line Metro Train and the philosophy behind this Orange Line Metro Train. The vision of Orange Line for me is it is not only a metro, it is a bridge which connect China and Pakistan. Yes. In fact, one of my friends just asked me that which country you have traveled abroad just like I'm worked in international engineering.
which country you want to visit second times or you want to go back in the future, I have no hesitate to answer him that I would like to go back to Pakistan. Wow. Because in Pakistan, there is my memory and there has my friends here. This is very special because I has worked in All India Line. You know, All India Line is the first metro of Pakistan, and there is a lot of difficulties. Yes. Like when we come here, there's no professional metro guys here. Everyone has to be start from zero. Yes. We are work together, training together. I mean, all of the Chinese expats and professionals come here, teach our local brothers step by step, hand by hand. And our local brothers are very smart and intelligent. They learn everything very well. That is really nice. Yes, by this period of time, this orange line operation is not the most important thing because it's just a metro. And of course, a metro can bring benefit for the people. But the most important thing is that by this metro, our Pakistan brothers and Chinese are work together, know each other, know the culture of each other. Mm. The media and the government always said the Pakistan and Chinese friendship is higher than the sky, deeper than the sea. I cannot feel it. I can just think it's a slogan or something. But when I come here, I can feel it, the enthusiasm of our local Pakistan people and their attitude, their hard working for learning new things and make this country better. And they are welcoming as well and friendly. Yes, very amazing. You know, I has been to a lot of countries in European countries, in Middle East, every country. Just like as a Chinese, I'm just an ordinary foreigner. But when I go to Pakistan, I can feel the warm welcome from our local brothers and sisters. They just think, I think it's not only friend, it's brotherhood. So I think this is really very important that by orange line, the people between these two countries find a tunnel to connect with each other. And I believe Orange Line in the future, of course, with the very smart and hard-working Pakistani people, will bring Pakistan to a brighter future. That is really amazing, and thank you so much for your wonderful and kind words for Pakistan and Pakistani people. So what is your mission behind promoting this project and making it to a better one? In fact, the Orange Line just like a main track to connect the Lahore from the east to the south. That is this a basic function. One metro line is not enough, you know, for ordinary people. If I want to go to another part, one line cannot help me. Yeah. So what we need to do is more different, various types of mass transit system like BRT, which is cheaper and efficiency. And we can have our private bus and the feeder buses connect everything to Orange Line. All right, so tell me how beneficial this project is for the public, general public of Pakistan, and how beneficial it can be for the relationships of both countries. I think just like in my point of view, this kind of mass transit, especially for railway and metro, is just like a gift from government to the people. We also say the government is served for the people, but how? You know, government cannot get extra profit by operating a metro. That means government will need to take resources out of their pocket and to find out a way to benefit for the people. And metro lines is exactly this kind of example. By this metro rail, you know, the... Especially when fuel prices are getting really high. My staff office says it's very expensive to drive a car, but, you know, the metro lines will not increase their fare. And that, in the upside, they will reduce the fare because it's borne for the people. By this, people can get very cheap commuting. Yes. And they get a big scenic bus here. More travelers, more passengers will come in front of their shops, and if they are walking around this corridor, they will get very clean and healthy way to go to their workplace. And most impressive thing for me is that I visit online always when I was work. I noticed there's a lot of ladies and children that are taking Orange Line. I asked them why that you take Orange Line. They said this is amazing because if we get to any other kinds of just like a tuk-tuk
a motor bag is quite dangerous for us, and it's not convenient, it's dirty, and if you are traveling at night, it's dangerous. But that is really an important point. If you take on each line, everything works great. You can have a specific place, specific cabin, and you have air conditioners. You need not worry about some mobs or some crime because there are security guards everywhere. That's really amazing. So we hope that this project would go more further and you would develop more better system, not just Orange Line train, but a lot of other mass transit system. Thank you so much. Thank you for your time. इस वक्त मैं हूँ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में, जिसको कहा जाता है कि वो यहाँ का बैकबोन भी है, क्योंकि आप मेरे पीछे ये तमाम तर विजुअल्स में ट्रेन्स देख सकते हैं जिनको यहीं इसी जगह से ऑपरेट किया जा रहा है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि क्योंकि ये तमाम तर ट्रेन्स जो हैं वो ड्राइवर्स के बगैर होती हैं, तो जो ड्राइवर्स उनके अंदर मौजूद होते हैं बेसिकली वो सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन के लिए होते हैं. बट एवरी ट्रेन इज बींग जो उसमें जो भी काम किया जा रहा होता है वो यहाँ से किया जा रहा होता है. और मेरे साथ यहाँ पर इनके GM ऑपरेशंस मौजूद हैं, मिस्टर एलाइजन हुई. उनसे कुछ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट करता है. सो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? वेलकम टू द शो. या थैंक यू. सो मिस्टर जिनहुई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स द ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन? ओके, थैंक यू. ऑरेंज लाइन होल ज्वेलरी इज फॉर योर सर्विस. Number one, operation management department is the backbone of Orange Line. Number two, we had three service department: OCC, station, planning. Right. Three. OCC is in special for operating train and main times activity on the main line. Right. सो बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो है इसको बैकबोन कहा जा रहा है इस पूरे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की, क्योंकि यहीं से ट्रेन्स जो हैं वो ऑपरेट भी की जाती हैं, यहीं से उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी दी जाती है, और तमाम तर जो इस ट्रेन का काम है वो यहीं से ऑपरेट किया जा रहा होता है. हम तो यूजुअली जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितना मुश्किल है एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जैसी सर्विस को ऑपरेट करना. बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि These people are doing an excellent job, और इनको actually बहुत ज़्यादा appreciate करना ज़रूरी है, चाहे वो Chinese हों चाहे वो हमारे पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं. They are doing an excellent job. एक एक मिनट की information यहाँ पर आ रही है और बहुत ही safe और amazing जो सहूलियात हैं वो हमारे लोगों को इस control room से दी जा रही हैं. ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ही मेरे साथ मिस्टर टू मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि यहाँ पे KPIs जो हैं वो किस तरह से फंक्शन करती हैं. सो वेलकम मिस्टर टू, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट आर द KPIs ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट? ऑरेंज लाइन हैज अ टोटल अबाउट 27 ट्रेन, एंड वन ट्रेन कैन कैरी 1000 पैसेंजर्स बाय हैविंग मिनिमम हेडवे ऑफ 5 मिनट 30 सेकंड्स. Wow. Till now, from the beginning of operation in October 2020, Orange Line has moved 47 million passengers by running 22 That's million train kilometers on the main line. And the efficiency of Orange Line operation is 99.88%, and the punctuality is 100%. Which means we have very high standard train operation system to serve the people of Lahore. ये
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और हमारे साथ यहाँ पर फरवा मौजूद हैं जो हमें इस डिपार्टमेंट के बारे में भी बताएंगे और कुछ सिग्नलिंग के हवाले से भी बताएंगे। सो फरवा, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए और ये बताइए कि सिग्नलिंग क्या है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इट्स बेसिकली द कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, क्योंकि हम इसको कहते हैं CBTC कंट्रोल बेस्ड जो है ना, ये ट्रेन कंट्रोल है। तो जो इसका आप कह सकते हैं कोर डिपार्टमेंट है वो कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग है हमारे डिपार्टमेंट में। अगर या वैसे ओवरऑल आप ऑरेंज लाइन में देखें तो जहां आपको ये नज़र आएगा कि बजाते खुद मैं और लड़कियां भी हैं। और दूसरी बात ये कि ये टेक्नोलॉजी CBTC अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो ऑरेंज लाइन अभी तक जो है ना वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे आने वाला इटसेल्फ एक यूनिक प्रोजेक्ट है। तो आई अर्ज एंड एनकरेज पीपल कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि एक तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी हमें नज़र आ रही है। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी खवातीन जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे लेकर आए हैं। जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ड्राइवरलेस यहाँ पे ट्रेन्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कही और हम सबको एक्चुअली करना चाहिए कि जब इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मौजूद है और हम उसको ज़रूर यूज़ करें। ट्रेवल फॉर टुडे हैज फाइनली कम टू एन एंड और मुझे न सिर्फ ये ट्रेवल करके बल्कि यहाँ इस फैसिलिटी में काम करने वाले तमाम तर लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक बात जाने से पहले जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि ज़रूर इन मास ट्रांजिट सिस्टम्स के पे ट्रेवल करें, बसेस पे, ट्रेन्स पे डेफिनेटली ट्रेवल करें, क्योंकि ये न सिर्फ इको फ्रेंडली हैं बल्कि बजट फ्रेंडली हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। और इसी बात के साथ अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। Keep watching Discover Exclusive, keep watching Discover Pakistan.